दोस्तों, इसरो एक बार फिर से नया इतिहास रचने के लिए आगे बढ़ चुका है। हमने आपको बताया था कि डेट फिक्स हो चुकी है, 13 जुलाई दोपहर 2:30। भारत का चंद्रयान 3 उड़ान के लिए तैयार है और ये तस्वीर देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, अब जो कुछ इसरो ने दुनिया को दिखाया है उसके बाद आप भी कहने लग जाएंगे कि अंतरिक्ष में नासा नहीं बल्कि इसरो ही है असली बॉस। दोस्तों, इसरो ने करोड़ों भारतीयों को चंद्रयान 3 की असली झलक दिखा दी है। आप जो रॉकेट देख रहे हैं वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इसके ऊपरी हिस्से में छुपा है भारत का चंद्रयान 3। और दोस्तों, ये है भारत के चंद्रयान 3 की असली तस्वीर जिसको देखकर ही चीन को मिर्ची लग चुकी है, तो इसने नासा को भी हैरान कर दिया है। दोस्तों, इसरो के चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। खुद इसरो चीफ ने कहा कि चंद्रयान 3 तैयार हो चुका है और रॉकेट को भी असेंबल किया जा चुका है, बस अब ये महीना नया इतिहास बनते देखने वाला है। लेकिन दोस्तों, आखिर इस बार ऐसा क्या हो रहा है कि चीन और पाकिस्तान छोड़िए अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी हैरान है। अमेरिका की मीडिया ने पहली बार इसरो के बारे में कुछ ऐसा कहा है कि पूरी दुनिया हैरान रह गई है, क्योंकि दोस्तों चंद्रयान 3 के जरिए भारत वो करने जा रहा है जो निश्चित ही तहलका मचा देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये बात भी बताने वाले हैं। सबसे पहले जिस रॉकेट से चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चंद्रयान 3 को रॉकेट के ऊपरी हिस्से में रख दिया गया है और इसके बाद इसे असेंबलिंग यूनिट में ले जाकर LVM-3M4 रॉकेट से जोड़ दिया गया है। आप खुद देख सकते हैं कि भारत के वैज्ञानिक कैसे चंद्रयान 3 को जोड़ रहे हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर है। दोस्तों, ये करोड़ों भारतीयों के लिए बहुत ही रोमांचक क्षण है। अब चंद्रयान 3 सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होने के लिए तैयार है। चंद्रयान 3 मिशन को LVM-3M4 रॉकेट से अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा, जहां से चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल शुरू हो जाएगा, जो चंद्रयान के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रयान के 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में छोड़ेगा। दोस्तों, भारत का GSLV Mark 3 रॉकेट करीब 6 मंजिला ऊंची इमारत जितना लंबा है। ये 3 स्टेज का रॉकेट है और इसका वजन 640 टन है। ये अपने साथ 37,000 किलोमीटर ऊंची जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 4,000 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट ले जा सकता है। तो वहीं 160 से 1,000 किलोमीटर की ऊंचाई वाली लोअर अर्थ ऑर्बिट में 8,000 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट छोड़ सकता है। अब हम अगर चंद्रयान 3 की बात करें तो इसका कुल वजन 3,900 किलोग्राम है, जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल 2,148 किलोग्राम, लैंडर मॉड्यूल का 1,752 किलोग्राम और रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। चंद्रयान 3 मिशन इसरो के चंद्रयान 2 मिशन का फॉलो अप मिशन है, यानी पिछली बार जो गलती हुई थी उसे सुधारने और अपनी क्षमता को दिखाने वाला मिशन है। चंद्रयान 3 मिशन में इस बार एक लैंडर और रोवर जा रहा है। चंद्रयान 2 की तरह इस बार ऑर्बिटर नहीं जा रहा है, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर इस वक्त भी चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। दोस्तों, चंद्रमा पर जाकर भारत का चंद्रयान 3 कई मिशन अंजाम देने वाला है। क्या क्या करेगा इसरो का चंद्रयान 3? चंद्रमा पर पड़ने वाली रोशनी और रेडिएशन का अध्ययन करेगा, चांद की थर्मल कंडक्टिविटी और तापमान की स्टडी करेगा, लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की स्टडी करेगा, प्लाज्मा के घनत्व और उसके बदलावों का अध्ययन करेगा। चंद्रयान 3 चांद पर Helium-3 के साथ ही कई खनिजों को खोजेगा। दोस्तों, इस बार चंद्रयान 3 में भारत के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी तकनीक लगाई है जो बेहद खास है, जिसमें सबसे खास है अल्टीमीटर, जो ऊंचाई का पता लगाने का काम करेगा। साथ ही दूसरी बड़ी तकनीक है वेलोसीमीटर्स, जो लैंडर के उतरते समय गति को मापने का काम करेगा, ताकि चंद्रयान 3 सही से लैंड कर पाए। दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि लैंडर रोवर चंद्रमा पर 14 दिनों तक काम करेंगे, लेकिन हो सकता है कि इससे ज्यादा भी ये काम कर पाए, और इसी दौरान रोवर अपना डेटा लैंडर को भेजता रहेगा और लैंडर सीधे IDSN यानी इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से कनेक्ट रहेगा, और इसी दौरान चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से भी ये कनेक्ट रहेंगे, जो
बैकअप के लिए चांद की कक्षा में पहले से ही मौजूद है। यानी दोस्तों, चंद्रयान 3 के मिशन के साथ ही इसरो पूरे वर्ल्ड में एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। अभी तक दुनिया के 3 देश ही चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं और ये देश हैं अमेरिका, रूस और चीन। इसके बाद भारत ऐसा करने वाला 4th देश होगा। ये मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि इस मिशन को पूरा करने के लिए चांद की उस खास जगह को चुना गया है जहां पर अब तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है, यानी कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव। इसका मकसद चंद्रमा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना है और ऐसी खोज करना है जिससे भारत के साथ पूरी दुनिया का भला हो सके। और दोस्तों, इसरो चंद्रयान 3 के जरिए कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसने पूरी दुनिया की सांस को हलक में अटका दिया है। इसके लिए दोस्तों, आप बस इतना समझ लीजिए कि कभी इसरो का मजाक बनाने वाले अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की जमकर तारीफ की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि भारत आज 140 स्पेस टेक स्टार्टअप का घर बन चुका है और जल्द ही ये चीन को पछाड़ देगा। अखबार ने कहा है कि भारत ने 1963 में जब पहली बार अपना रॉकेट लॉन्च किया था, तब वो दुनिया की सबसे अत्याधुनिक तकनीक का पीछा करने वाला सबसे गरीब देश था। तब साइकिल पर रखकर रॉकेट के हिस्से को लॉन्च पैड तक ले जाया गया, लेकिन आज अंतरिक्ष दौड़ में भारत ने बहुत मजबूती हासिल कर ली है। भारत में स्टार्टअप की रफ्तार बेहद विस्फोटक है और उनके पास एक बड़ा बाजार बन चुका है। बड़ी बात तो ये है कि कोरोना से पहले केवल 5 स्टार्टअप थे, लेकिन आज ये 140 के पार जा चुके हैं। NYT के न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसरो ने बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे के साथ ही कई जगहों पर 400 से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां तैयार की हैं। और बड़ी बात ये है कि हर कंपनी अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं। भारत के स्पेस स्टार्टअप्स ने एक साल में ही $120 मिलियन जुटाए हैं और करीब 95% की सक्सेस रेट के साथ ही इसरो ने सैटेलाइट के लिए बीमा की लागत को आधा कर दिया है। भारत आज दुनिया का सबसे भरोसेमंद लॉन्चिंग डेस्टिनेशन बन गया है और अब भारत चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा है, जो नए कीर्तिमान बनाने के साथ ही भारत के लिए चांद के दरवाजे खोल देगा, जहां भारत कई सीक्रेट मिशन अंजाम देने वाला है। बड़ी बात यह है कि रूस ने अपना मून लैंडर मिशन स्थगित कर दिया है। ऐसा ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के एडिशनल चेक्स पूरे ना होने की वजह से किया गया है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले 2022 में भी रूसी मिशन तकनीकी दिक्कतों की वजह से टाला गया था। ऐसे में भारत के चंद्रयान 3 के पास रूस से पहले चंद्रमा पर उतरने का मौका है।